फिरौती की रकम न मिलने पर कर दी गई मासूम की हत्या। देखिए जनपद वाराणसी से बजरंग बली तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। थाना सारण नाथ अंतर्गत पैगंबरपुर का निवासी मंजे कुमार का पुत्र 9 वर्षीय विशाल कुमार को विगत 29 जनवरी 2021 दोपहर लगभग 2 बजे के करीब सारनाथ क्षेत्र के वैष्णव नगर कॉलोनी से किसी अज्ञात द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद विशाल के घर पर एक पत्र लिखकर फेंक दिया कि वाराणसी के चौबेपुर थाना के क्षेत्र में विशाल को लेकर जा रहा हूँ, एक घंटे के अंदर 50,000 दे दो वरना इसे मौत के घाट उतार देंगे। जिसकी सूचना सारनाथ थाना पुलिस के साथ पुराना पुल चौकी प्रभारी को दिया जाता है। पुराना पुल चौकी प्रभारी के द्वारा क्षेत्र के कैमरे के माध्यम से सीसीटीवी पॉजिटिव खंगाला जा रहा था और पुलिस के द्वारा वीडियो को इकट्ठा किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी सारनाथ के द्वारा फिरौती वाला पत्र मौजूद था। बच्चे की लापता होने के 4th दिन सारनाथ क्षेत्र के पैगंबरपुर स्थिति में एक कन्वर्टर स्कूल के पीछे हत्या कर बच्चे की लाश को फेंक दी गई थी। इस संबंध में मृतक के घर वाले ने क्या कहा, आप देखिए आप बीती खबरें आज भी पर। आज ये पैगम्बरपुर में जो बच्चे का मतलब हत्या हुई, इसके विषय में आप क्या करना चाहते हैं? हम तो क्या कहेंगे, हमको न्याय चाहिए कि हमारा बच्चा जो है तो जो कुछ भी मारा है तो उसका मतलब पता मिलना चाहिए मेरे को। गायब हुआ था पैगम्बरपुर से 29 तारीख के 12 बजे तक खेल रहा था हमारे संगे, साइकिल भी चला के आया, खाना खाया, गुड्डी उड़ाया, उसके बाद 2 बजे से लड़का हमको नहीं मिला, 2 बजे से हम खोज रहे थे 29 तारीख से। क्या प्रार्थना पत्र सरना थाने पर दिए थे इसका? हाँ सब दिए थे, वो उसी दिन दिए थे 29 तारीख को पूरा दे दिए थे। मतलब क्या कर रही थी? कह के बच्चा मिल जाएगा, तुम इधर उधर होगा, खेल रहा होगा, इधर उधर होगा, कहाँ जाएगा? फिर लड़की गायब होती है, लड़का तुम्हारा कहाँ से भाग जाएगा? लड़की भागती है कि लड़का भागते हैं, यही सब बोले थे। प्रशासन की पूरी लापरवाही हो रही है। हाँ, नहीं के लापरवाही है, नहीं हमारे पास 4 दिन से दौड़ते कुछ ना भर। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आपसे कुछ पैसे की डिमांड की गई थी। हाँ, तो बाद में 2 दिन के बाद खेले के बाद तो डिमांड भर तब 50,000 की चिट्ठी आई थी। डिमांड किए थे क्या, उस पर फोन नंबर या कुछ ऐसा? नंबर पर कुछ नहीं दिया गया था, सादा क्या लिखा गया था? सादा कि मतलब कजवा हो कजवा, हम तो पढ़े नहीं, हम तो उठा लगाते हैं। तो वहाँ था, देखिए जब कोई बताए पढ़े वाले तो बताए कि उसमें लिखा गया था हम बाप है, पिताजी हैं उसके। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम गए जो पुर्जा दिया था तुरंत सारनाथ थाने गए थे,
उनको पुर्जा दिया, देखे कोई मजाक किया है, बोले है जो अब ऐसी हो चाहे जैसी हो हमसे नहीं मतलब है। दिया था वो जो पुर्जा दिया था वो भी दिया था, वो भी उसका भी पुर्जा में पहले है। देखिए हम पढ़े नहीं तो हम कैसे बता देंगे। हाँ रखा, हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, खाली एक ही आदमी बोला था जो बच्चा के लिए बोले थे ना, अजय नाम है उसका, वही एक बार हमको गुटका मंगाया हमने लड़का के, लड़का नहीं गया, ओके बहन मतारी करिया तो गुस्सा के गली मारो थप्पड़ थप्पड़ हमें लड़का का गरीब ले उन्हें नहीं जाए जबरदस्ती जस्ती है कते कितने तो के बता दे। आज यही मौका मिला, आज ये नाम है नाने के तेरे पीछे, उसका घर भी हम नहीं देखे हैं। जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन को जो आपने पर्ची दिखाया तो प्रशासन ने कहीं मजाक कर रहे हैं। हाँ मजाक कर रहे हैं। प्रशासन में कौन आपसे कहा था कि मतलब मजाक कर रहे हैं? अब सारना थाने में दिए थे, इसे भी नहीं जानता रहे थे। थाने पे कौन था? अब दरोगा रहना चाहिए कोई भी रहे, सबको इंचार्ज रहने की थी। आपने SSP से अभी बताया कि हाँ इस तरीके से हमसे आए, वो भी आज आए थे, पहले तो खोजत 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 तो कोई बात लाश पकड़ना है, अभी खोजत ना सब ऐसा उनका लाश मिला ना। कितने बजे आपको ये पता चला कि आपके बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, कैसे पता चला? 5 बजे मान सिंह राजभर, वार्ड नंबर 12, प्रतिनिधि पार्षद। पार्षद जी, जैसा कि देखा जाए तो आज एक बच्चे की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पे आप? ये हत्या बहुत ही निर्मम था जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे ये गरीब बस्ती के लोग हैं, अगर इस तरह छोटी छोटी घटनाएं होंगी, ये घटना बहुत बड़ी थी, ये घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी है इसका खुलासा पुलिस जल्द से जल्द करे, नहीं हम लोग खुलासा करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, इनके साथ एकदम कदम से कदम मिला के रहेंगे, इनको न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। जैसा कि बच्चे के पिताजी का कहना था कि उनके जो चिट्ठी दी गई थी वो थाने पर लेकर के गए तो उनके साथ बोला गया कि मजाक किया गया है, क्या इसके विषय में आपने प्रशासन से बात की? आप तो एक सीनियर हैं। नहीं, हमें आज ही पता चला कि यहाँ पे कोई घटना हो गया, हमें अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ऐसी अगर कोई बात है तो हम लोग भी पुलिस प्रशासन से पूछेंगे कि अगर कोई अगर शिकायत करता है तो आप लोग कहते हैं कि ये मजाक हो रहा है, इतना बड़ा मजाक हो गया कि किसी का घर उजड़ गया, उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये मजाक कर रहे हैं लोग। बताइए, लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये चिट्ठी है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और जैसा कि चिट्ठी जो आया है, क्या कोई व्यक्ति लेकर के आया था या फिर कैसे वो चिट्ठी कैसे आपको प्राप्त हुई? यहाँ पे हमको लग रहा है कि चिट्ठी रखी गई थी कहीं और कोई उठा के दिया होगा इनको और ये पढ़वाए होंगे, ये तो खुद ही यहाँ लोग निरक्षर हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ नहीं पाए होंगे। क्या सहयोग किया जाएगा परिजनों को? हमारे तरफ से सहयोग होगा इनके साथ, जो भी जहाँ भी इनको जरूरत पड़े, और पार्षद ही नहीं अपने बेटे की तरह ये लोग जहाँ भी हमें खोजेंगे हम इनको खड़े मिलेंगे, जो भी हमसे सहयोग हो पड़ेगा हम करेंगे, करने के लिए तैयार है। न्याय चाहेगा, नहीं न्याय आप ले गए तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे सब लोग के लेके, हम चक्का जाम करेंगे, हम कुछ जाए नहीं देंगे। जब आज हमारे साथ हुआ है कल दूसरे के साथ यही होगा ना, अब आप कौनो न्याय नहीं होगा। हमें 4 दिन से सूचना मिला, हम 4 दिन से हम लड़का के हम खोज रहे, गाजीपुर ले, जौनपुर ले, बलिया ले, हम सब अतल हम खोज रहे हैं बच्चा के। हमको 2 बजे के बाद मालूम, बच्चा मिला? हाँ बच्चा खलिया में मिला। आपसे 10 किलोमीटर है? 200 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर हम लोग भागल 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 गयी तो लाज भी नहीं, पुलिस धक्का मार मार के लेके सब पर चल गए, हम लोग के देखा तो नहीं है, अब कालर फालर धाय के नोचत भाई तवनो पर नहीं देखा। मेरा पर्ची बता दे। पर्ची हम लड़के के फुफ्फे है, परसों 10-11-12 बजे रात ले सब जागत रहा जी, उसके बाद केवाड़ी वाड़ी जब ज्यादा ठंडा लगे लगल तो बंद कर गई, उसके बाद जो कि लीक के लेटर डाल दिया, सुबह जब दरवाजा खुला तो झुकी मिला जी, फिर कल सुबह मिला तो पढ़वा लगल तो थाने पर लेके गल जी, थाने पे लेके गई तो यशो साहब जो कि लेके जेबा में रख लिया, कहे कि जो कि सब कोई मजाक किया है, तुरंत जो कि चौकी इंचार्ज के बुला के जो कि पहाड़ियाँ भेजे बाबा खान से भेज के, फिर जो कि वो लोग जो कि चलिए न तो कहे कि जो कि कोई सूचना नहीं, सब फालतू काम है, कोई मजाक किया है। उसके बाद हम लोग चले आए, चलने के बाद तो जो कि कहें कि जब जाओ पता करो पेपर में छपवाओ, बल्कि अच्छा ठीक है। फिर बाद जो कि दो दफे गई
कि कोई सुनवाई नहीं सर, तो दो दफे गए तो चौकी में चार दोनों दफे दाना खाद मिलन तीन घंटा के अंदर अंदर, एक बार जो कि सुनल नहीं पुराना पुल। हाँ पुराने पुल, और बात कहेंगे जाके जो कि उमन सीसी कमरा में से निकाल के पता जो कि लेके आओ कि कै बजे का न पता है लिखा, कै बजे का है इसमें निकला। जी आपका नाम? सुनीता देवी। आप बच्चे की माँ हैं? हाँ। और क्या नाम बच्चे का, कैसे? विशाल हुंगन। आपने थाने में कंप्लेन किया था? हाँ सर, हम कंप्लेन कैले रही, हमने 9 बजे राती लैया बैठल रही, कलन जात जा सवेरे लोगन तोलन के हम बोलाई, फिर हमने के साहब फोन कैलन, क्या हुआ सुनीता तुम्हारा बेटा मिला? हम कली नहीं साहब ना मिललन। बच्चा कब से गायब था? अरे सुख वाले दिन के 2 बजे तक ले रहलन हमार बच्ची, ओकरे बाद हमार बच्ची निकलल गईलन, तो हम सोचली खेल गल हुई नहीं हन, जब खोजत खोजत 4 बज गल, हमने खूब छपटिया छपटिया खोजली, तब फिर हल्ला कैली हमार बच्ची के देखला है, हमारे बच्ची के देखला है, तब रतिया भर 12 बजे 1 बजे रतिया ले खोजली हे भैया, तब वो हमार लाल नहीं मिललन हो भैया, ओकरे बदमा वही रतिया चिट्ठिया हमरे घरवा में फेंकले ही रहलन हो भाई। हमें सवेरे 7 बजे वाले मिलल भाई, लिखल रहा कि 50,000 रुपया मंजे अकेल लेके हमके चौबे पुरा कर अकेल में हमें 50,000 रुपया दे देना, अपना बेटा ले जाना, अगर नहीं दोगे तो 1 घंटा बाद तुम्हारा लड़का को हम काट डालेंगे। आप चौकी इंचार के ले जाके देले है भैया, कुछ ना ही बोला न हो भैया, कह मजाक समझ रहे हैं, अब मजाक भैल बा, अब भैया हमारी ये कह मतलब हम अपन ओझो देवा के देखावत रही है कि कुछो बतैन ओझो देवा हमार। वो क्या बोले रहा लड़का? तो उ लड़कवा से जब पूछल हम ना ओकर नामवा तो ना जानत है, आज हमके हेदे समझा के मालूम चलल भैया गैली ओझा की हन, तो बताऊले सा ओझावा की हमसे तो नहीं, हमारे जेठानी से बतौलन है कि तो ओकर लड़का अब ना है, अब ऊ ना बतौनी हमसे कि रोवा कल्प लगी, हम अली घर में बैठल अली है, अपने जीजा के फोन कैली है, जीजा अभी बच्ची के नहीं पतवा लगत बा, कलन घबरा मत बच्ची मिली। आपके घर से कितनी दूर है? कितनी मिली? 1 किलोमीटर। आधा किलोमीटर है। हाँ आधा किलोमीटर के ना लड़का बोला के राती में कहले सिया चाची यहाँ गैली कली का भैया, तो कह कि चलती तोर बच्ची नहीं मिलन चाची ओझा ओझा के देखौली, हम कहली भैया अपने जाने तो हम देखावत बाड़ी, फिर ओकरे बाद कहत हूँ कि चल जितना सवेरे पैसा लिखल अल उसे कम मिली। 50,000 किस बात का मांग रहा था वो लड़का? बच्चा बदले बदे क्योंकि बच्चा अपन ले ले है, पैसा दे ले गया तो वो 50,000 रुपया आपसे मांग रहा था। सर हम ना देखली कि कौन चिट्ठी लिख के हमारे घर में फेंकले, ये हम नहीं देखले है। चिट्ठी अभी आपके पास है? हाँ मोबाइल पर है, चिट्ठी देवल है चौकी पर। नहीं सर हमसे दुश्मनी उसे कुछ नहीं रहा, ये बाकी लड़का कैसे ही आये ऐसे हम पूछे चाहती कि कौने मैटर में आये, अगर झूठ बोलियन साहेब लोगन हमसे राती की कहले कि तोर पैसा जितना लगा था सवेरे जन बता गल चिट्ठी में कि 50,000 ओसे कम पैसा लगी, चला हम तो के ओझा किहन लिया चल, तो हम कहिए भैया भाई हमारे किहन सब लोग गए ओझा किहन, तनी हम वही जन लिख लड़का है घरवा में पकड़ाया यही में बंद है। हाँ कहत पूछत देखता हमके आँख मुँह ले सा कती तू का करत हुआ, चाची हम तो हर कुछ हम तोरे लड़का के नाम मर लिए तुरंत भाई, ये हम पूछत बच्ची तू का करत हुई मना, तो कहता कि हम तोरे लड़का के नाम मर लिए, ये कैसे कह दिलस कि हम जानत रही कि वो हमारे लड़का के मार दिले सर, तो वो कैसे तुरंत बता दिले सर, देखता मंत्रा हम कहते तू का करत हुआ मना बच्ची, तो कहता तोरे लड़का के हम नाम मर लिए, एक कैसे पता होगा कि लड़का एक मर गए। जनपद वाराणसी थाना सारनाथ में 29 जनवरी को रात्रि में एक बच्चे के गायब होने के संबंध में FIR दर्ज की गई। इस FIR के दर्ज करने के बाद इस प्रकरण में पुलिस द्वारा CCTV व अन्य व्यक्तियों से पूछताछ के जरिए छानबीन की जा रही थी। कल सुबह इस परिवार के घर के पास उनको एक छोटा सा नोट मिला जिसमें 50,000 रुपये की मांग की गई थी। उस नोट में कोई समय तो नहीं लिखा था लेकिन चौबेपुर रोड पर पैसा लेकर आने की बात कही गई थी। चौबेपुर रोड पर ये लोग गए भी किंतु वहां पर कोई व्यक्ति मिला नहीं।
आज घर के पास की ही लोकेलिटी में इस बच्चे का शव मिला है। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। एक व्यक्ति से इस समय पूछताछ चल रही है जो हमारे शक के घेरे में है। टीमें बनाकर के घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जो आगे सूचनाएं आएंगी आपसे साझा की जाएंगी।